हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैव एजुकेशन। फैव एजुकेशन इंग्लिश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अक्सर हम अपने ज़िंदगी में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, तो इन सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा या हम इन्हें इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस कम प्लस आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद कम प्लस आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अपोजिट वर्ड का यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस है, मैं चाय पी कर आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर टेकिंग टी या आई हैव कम आफ्टर हैविंग टी। दोस्तों से मिल कर आया हूँ मैं। आई हैव कम आफ्टर मीटिंग फ्रेंड्स। मम्मी को बता कर आया है वो। He has come after informing mom. वो कोचिंग से पढ़कर आया है। He has come after reading from coaching. हम लोग उसे पीट कर आए हैं। We have come after beating him. मैं अपना होमवर्क बना कर आया हूँ। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट आप सब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सब इस सेंटेंस का ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।